नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों आज हम आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ झुकने लगती है। अक्सर रॉन्ग सिटिंग पोस्चर के कारण या गलत ढंग से सोने के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों जिन लोगों का दिन भर बैठे रहकर ऐसे झुक कर काम होता है उन लोगों को यह समस्या उत्पन्न होती है। यह एक प्रकार से गठिया या हम कह सकते हैं कि ऑर्थराइटिस का प्रकार है। इसमें व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में लगातार दर्द बना रहता है और गर्दन और पीठ के निचले हिस्से में अकड़न आ जाती है। दोस्तों इसमें व्यक्ति को अक्सर कमर दर्द और हिप्स पेन की शिकायत होने लगती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप योगासनों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप अपने बॉडी पोस्चर को सुधारिए। जब भी आप बैठे आप एक कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए एक सीधी रेखा की तरह आपने बैठना है। ऐसे ज्यादा तनकर भी ना बैठना है और ऐसे झुककर ना बैठे। अक्सर रॉन्ग सिटिंग पोस्चर के कारण या गलत सोने की वजह से यह एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे आपने सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन, सूखासन या पद्मासन किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उष्ट्रासना। ऐसे ही आपने बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को पीछे को ले जाते हैं और ऐसे अपने हील को पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने गर्दन को पीछे की तरफ लटका लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को कितना भी पुराना कमर दर्द, पीठ दर्द, हिप्स पेन की शिकायत हो वह दूर होती है। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें और फिर धीरे धीरे ऐसे सीधे ऐसे ही सुष्टासना को आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्धचंद्रासना। ऐसे ही आपने घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे बात कर ऐसे अपने कंधों के पास रख लें। फिर सीधे ऐसे ही इस अर्धचंद्रासना को भी आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम पेट के बल लेट कर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंगासन की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। जितना स्ट्रेच आप अपने शरीर को कर सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 10 सेकंड तक रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे आप 5 से 6 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे सलभासना योग। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करें। ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने घुटने के पास रखकर या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास रखकर ऐसे अपने गर्दन को भी थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं। टेन सेकंड तक रुकते हैं और फिर नीचे फिर दूसरे पैर से। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए।
दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त वज्रासना। सुप्त वज्रासना एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमारे स्पाइन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। जिन लोगों को कुबड़ेपन की समस्या होती है इस अभ्यास को करने से दूर होती है। यह अभ्यास झुके हुए कंधे मुड़ी हुई पीठ की समस्या को दूर करने वाला एक बेस्ट अभ्यास है। जो लोग सिटिंग जॉब वाले होते हैं, दिन भर जिन लोगों का बैठे रहने का काम होता है, उन लोगों ने इस अभ्यास को कम से कम 5 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। सबसे पहले ऐसे ही आपने वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे आपने पीछे की तरफ लेट जाते हैं। ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हुए ऐसे अपने सिर को पीछे की तरफ कर लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ऐसे बांध लेते हैं। ऐसे स्टार्टिंग में अपने घुटनों के बीच में ऐसे आधे फिट का ऐसे स्पेस रख सकते हैं जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस सोया हुआ वज्रासना की पोजीशन पर रहते हैं। जब आप ऐसे ही इस वज्रासना को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो तो इस अभ्यास को अब हम वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लें, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार कीजिए। और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास रखते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रखते हुए इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कीजिए। और फिर धीरे धीरे से सीधे